बताएंगे और काउंट करेंगे 1,000, 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
सीआरटी इज लेस देन 3 seconds. ठीक है, तो देखो कैसे करना है. ये मैंने ये ब्लैंच किया और इसको हटाया. 1001, 1002, 1003 तक में ही वापस आ गया था. आ गया था ना. फिर से देखो ये ब्लैंच हुआ ना 1001, 1002, 1003 तो उसके बहुत पहले आ जा रहा है. तो 1003 के बाद भी है तो ये क्या है, प्रोलॉन्ग सीआरटी है. जितना प्रोलॉन्ग है उसका चांस क्या है, शॉक में जा सकता है, हाइपोवॉलीमिया होगा या हाइपोथर्मिया. बच्चा ठंडा पड़ा रहेगा ना तो भी वो सब होता है. हाइपोग्लाइसिमिया क्योंकि मोस्ट कॉमनली क्या है, शॉक और हाइपोवॉलीमिया के लिए आपको हम लोग देखते हैं. ठीक है, अर्ली साइन है. तो ये एक तो एज दिखाना है, दूसरा सीआरटी आपको शो करना है. ठीक है, अब इसके बाद जो है बाकी है टू शो में और कुछ आपको शो नहीं करना होता, आपको बस एग्जामिनेशन करना होता है, देखना होता है. हाँ, एक चीज मिस नहीं करना है, मैंने बोला था हेड टू टो में जब फ्रंट का एग्जामिनेशन कर लेंगे तो बैक जाएंगे. ठीक है ना. अब बैक में क्या एग्जामिन करेंगे, ये बेबी है. ठीक है, बैक पे हम लोग ने ऑक्सीपुट देख लिया इसका, यहाँ कोई मेनिंगो माइलोसीलियर कुछ तो नहीं है, वो तो पूरा का पूरा हेड में ही देख लिया है. और उसके बाद ये स्पाइन देखना है. ठीक है, स्पाइन जो है मिड लाइन है या नहीं है ना, और नीचे इसका जो है स्टफ टॉप हेयर या सर्कुलर साइनस तो नहीं है. यहाँ तो नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल है. तो बेसिकली ना पेरिनेटल एस्फिक्सिया का बच्चा है ये, डिडंट क्राई इमिडिएटली आफ्टर बर्थ, और इसीलिए अभी जो है ना इरिटेबिलिटीज में ज़्यादा है और क्राई ज़्यादा कर रहा है. ठीक है, इसका रेस्पिरेशन भी देखो, बाकी बच्चों से जब काउंट करोगे आप तो रेस्पिरेटरी रेट जो है ना नॉर्मली जो है बाकी बच्चों से ज़्यादा है, फास्ट है ना. काउंट करोगे तो ज़्यादा होगा. अब आते हैं हम लोग फिजिकल मैच्योरिटी पे. ठीक है ना, फिजिकल मैच्योरिटी में क्या क्या है, स्कोर बताइए, कैसे कैसे करते हैं फिजिकल मैच्योरिटी, कैसे करते हैं फिजिकल मैच्योरिटी में. सबसे पहले देखते हैं स्कीम, स्कीम जो प्री मैच्योर दे रही है, आप तुमको दिखाते हैं एक मिनट शॉर्ट है. स्किन का कलर, इसका जो स्किन होगा ना पिंक होगा और थिक होगा, जब भी टच करेंगे थिक होगा ना. इसका जो है ना अलग कलर होगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लिसेंट हो सकता है, थिक होगा. स्किन लैनिगो होता है जो व्हाइट, जब बच्चा तुरंत का बर्थ रहता है तो क्या होता है पूरा व्हाइट कलर का होता है. तो जो प्रीमैच्योर होगा उसमें ज़्यादा होगा, एबंडेंट होगा. जो टर्म होगा उसमें कम होगा. दूसरा तीसरा जो हम क्या देखते हैं, ऊपर से आते हैं हेड में तो देखते हैं ईयर, ईयर इक्वल. ठीक है ना, ईयर इक्वल कैसे देखते हैं, इसको मैंने ये किया, ये वापस चला गया ना तुरंत से ज़्यादा. देखो ये कार्टिलेज है तो पिन्ना का ये रिक्वायर तुरंत है, तो ये टॉम बेबी मिलेगा. ठीक है, अगर गुड ईयर रिक्वायर है तो क्या है, टॉम है. अब पुअर है तो प्री टॉम है. आप देखिए, आप ब्रेस्ट बर्ड देखिए, ये देखो थोड़ा थोड़ा दूर से दिखेगा, दूर से दिखेगा, दिखेगा दूर से. देखो ये ब्रेस्ट बर्ड देखो कितना बड़ा सा है, मोर देन 5 mm, और निप्पल भी ऑलमोस्ट मिडिल में बना हुआ है. ये किसने बनेगा, टॉम है. लेस देन 5 mm है, निप्पल जो है डिजिटल नहीं है तो क्या है, ठीक है. उसके बाद हम लाएंगे जेनिटेलिया पे. स्क्रोटम देख रहे हो, डार्क है, डार्क एंड पिगमेंटेड स्क्रोटम है. रिबोसिटीज भी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है रिबोसिटीज. ठीक है ना, जब एग्जामिन करोगे तो टेस्टिस दोनों साइड में ना डिसेंडेड है, इधर भी है और इधर भी है. तो ये क्या होगा, टॉम बेबी दोनों से. बाय स्क्रोटम इज वेल पिगमेंटेड, रिबोसिटीज प्रेजेंट एंड टेस्टिस इज बायलैटरली डिसेंडेड. ठीक है, प्री टर्म में ऐसा नहीं होगा. प्री टर्म में क्या होगा, पिंक कलर होगा, पेल कलर होगा, नो रिबोसिटीज. और जो भी टेस्टिस रहेगा वो अप्पर साइड में रहेगा, या तो डीप इंग्यूलर रिंग पे रहे, सुपरफिशियल पे रहे, या इंट्रा एब्डोमिनल, डिपेंडिंग अपॉन
कि क्या उसका वीक्स कितना हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग दिखा, उसके बाद क्या छूटा हमारा, क्रीजेज देखते हैं, पामर है सोलर क्रीजेज, तो मेनली सोलर क्रीजेज देखते हैं हम लोग। तो ये देखो यहाँ इसका क्रीज देखो, देख रहे हो ऑलमोस्ट हाफ एंटीरियर टोटल पूरा क्रीज बना हुआ है, डीप क्रीजेज भी है, सुपरफिशियल क्रीजेज भी है, देख रहे हो पूरा। अब तुम इसमें देखो, यहाँ का फ्लैट है, देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ क्रीज दिखाई दे रहा है, बाकी पूरा फ्लैट। और इसका देखो इसमें कितना क्रीज भरा हुआ है ना, इसमें क्रीज कितना कम है, तो ये इससे हम लोग एक चीज ये क्या है, फिजिकल मैच्योरिटी स्कोर है ना, इसमें भी स्कोरिंग सिस्टम है, स्कोर बोलते हैं 0, 1, 2, कितना बड़ा साइज है, टिबोसेटिस कितना है, और आपका कितना तक डिसेंट किया है टेस्ट, उसके अकॉर्डिंग भी स्कोर करते हैं। उतनी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए इतना पॉइंट्स इसमें है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोग देखा ना, स्किन देखा, लैनिंग को देखा, ईयर इक्वल देखा, ब्रेस्ट बर्ड देखा, जेनेटेलिया देखा, सोल देखा, ठीक है। ब्रेस्ट बर्ड देखो ना, इतना बड़ा सा, मोर देन 5 mm का ब्रेस्ट बर्ड है, जब प्रीमैच्योर उधर हम दिखाएंगे तो बहुत छोटा सा स्कैंटी रहेगा, 1 to 2 mm का, और इतना डार्क पिगमेंटेशन भी नहीं रहेगा, निकल भी विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये बाद में आप बिना छुए देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो ये अब है न्यूरोमस्कुलर स्कोरिंग, ठीक है ना। तो न्यूरोमस्कुलर स्कोरिंग में 5 पॉइंट होता है, इसमें हम क्या क्या देखते हैं, तो बात समझो प्रॉब्लम क्या है। प्रीमैच्योर बेबी जो होगा उसका टोन कम होगा, हाइपोटोनिया होगा, ठीक है। और जो मैच्योर बेबी होगा उसका टोन नॉर्मल टोन होगा, नॉर्मोटोनिया होगा, हाइपोटोनिया नॉर्मल टोनिया होगा। दूसरा कि ज्वाइंट स्टिफनेस, तो ज्वाइंट स्टिफनेस का प्री मैच्योर बेबी में ज्वाइंट स्टिफ होता है, मूव नहीं करेगा ज्यादा। और जो टर्म बेबी है उसका ज्वाइंट जो है लेवाइड होगा, ठीक है ना, मूव करेगा। इसके अकॉर्डिंगली ना मैच्योरिटी स्कोरिंग बनाया हुआ रहता है। उसमें हम जो देखते हैं, एक है उसमें हील टू ईयर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद पॉपलेटियल एंगल देखते हैं, उसमें स्कार्फ साइन देखते हैं, और उसके बाद आर्म रिक्वायर देखते हैं, और स्क्वायर में पाँच है, ठीक है ना। तो अब देखते कैसे कैसे, मैं बताता हूँ, इधर इधर से दिखाते हैं सबको, दिखेगा मैं राइट साइड रहा हूँ, है ना। और इसका जो है नी चेस्ट पोजिशन पे लाया, ठीक है ना, यहाँ पे ये नी चेस्ट आ गया, नी चेस्ट पे आ गया ना, नी चेस्ट मतलब क्या हुआ, नी जो है चेस्ट पे आ गया, दैट इज नी चेस्ट पोजिशन। और इसको हम क्या ले जाएंगे, ईयर तक, इनफैक्ट इस साइड के इफ्सी लैटरल ईयर, इस साइड उल्टा है ना, लेकिन सोया हुआ इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वो रुला ही रो ही रहा। इसको ले जाओगे ना, जाएगा नहीं, जा नहीं रहा है, ये बहुत कम ही जा रहा है, यहाँ तक जाके रुक जा रहा है, क्यों, क्योंकि क्या है, इसका टोन जो है ज़्यादा है ना। अब प्री टर्म में जब जाओगे तो हाइपोटोनिया ऑलमोस्ट तक यहाँ टच कर रहेगा, कि टोन कम है। उसी तरह से पॉपलेटियल एंगल देखते हैं, पॉपलेटियल भी टोन के नहीं देखते, पॉपलेटियल एंगल देखने का तरीका क्या होता है, इसको भी नीचे पोजिशन पर लाया मैंने, और उसके बाद इसको फिक्स किया है ना, फिक्स कर दिया, और एक हाथ एक उंगली यहाँ रखा एंकल पे, ठीक है, और इसको फोल्ड कर रहे हैं। नॉर्मली 90 से ज़्यादा नहीं होता है, जितना 90 से ज़्यादा होता जाएगा उतना प्री टर्म प्री मैच्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हील ईयर, दूसरा क्या है, पॉपलेटियल एंगल, ये एंगल देख रहे हैं कितना एंगल है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पर आर्म रिक्वायर, तो नॉर्मली क्या, आर्म को इस तरह रखा, बिल्कुल स्ट्रेट किया, स्ट्रेट किया, प्रेशर यहाँ डाला और हाथ हटा लिया, तो कितना जल्दी वापस लेता है जो टॉम, इसे ये तो सिक बेबी है ना, तो टॉम टाइप से बिहेव नहीं कर रहा है ये, लेकिन नॉर्मली जो टॉम बेबी होगा जैसे हाथ हटाएंगे वापस जा रहा है ना, थोड़ा सा जा रहा है, देखो इसको ये किया मैंने तो इतना जा रहा है। तो अपनी मैच्योर में क्या होगा, वो वैसा ही पढ़ा रहे, आर्म रिक्वायर लिखा पूरा। उसके बाद ज्वाइंट मोबिलिटी हम लोग देखते हैं, उसमें क्या क्या देखते हैं, स्कार्फ साइन एंड स्क्वायर विंडो टेस्ट। तो स्कार्फ साइन में क्या होता है कि इस हैंड को पूरा का, इसको बच्चे को मिड लाइन में पहले फिक्स करना है, बिल्कुल मिड लाइन में फिक्स करो, और इस हैंड को इस साइड लाने का ट्राई करो, और देखो कि एल्बो क्रॉस करता है कि नहीं मिड लाइन, देखो मिड लाइन क्रॉस नहीं कर रहा है, उधर ही रह रहा है, ये बीच में रखा और क्रॉस नहीं कर रहा, उधर ही रह रहा है। और प्री मैच्योर बेबी में क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो ये क्या है, हाँ टर्म बेबी है, प्री टर्म बेबी, इसको क्या बोलते हैं, स्कार्फ साइन, ठीक है। उसके बाद क्या बचा आपका, स्क्वायर विंडो, स्क्वायर विंडो में क्या होता है, इसको इसमें टच करेंगे, यानी कि जो ये पामर सर्फेक्ट है इसमें टच करेंगे, उस हाँ कैसे कर रहे हैं, ये है इसको, इसमें इसको पहले पूरा हैंड खोलना है और इसको इसमें ऐसे टच करते हैं, ये टॉम बेबी में ऑलमोस्ट टच हो जाएगा, थोड़ा सा बाकी है,
प्री टर्म में क्या होगा, ज्वाइंट स्टिफ रहेगा तो एंगल उतना बड़ा रहेगा, मानते बहुत स्टिफ है बिल्कुल प्री मैच्योर उतना 90 पे रहेगा है ना, और टर्म होगा तो 120 फिर 150 180 ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो जो हम बता रहे हैं। तो ये इस वजह से यहाँ का भी हम स्पैरिंग फुट दे सकते हैं, ऑलमोस्ट टच कर गया, टर्म में टच नहीं होगा, प्री टर्म में टच नहीं करेगा। तो ये क्या है, न्यूरो मस्कुलर स्कोरिंग सिस्टम बलार्ड में, ठीक है। तो इतना पांच इसमें भी है, पांच पॉइंट, और उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 करके है, उसको आप अलग अलग पॉइंट पे लाओ कितने एंगल पे बना है, और उसको टोटल एग्रीगेट करो, और आप क्रॉस पॉइंटिंग जो चार्ट है उससे मैच करो कितने वीक्स का है। ईजी है, आप एक बार करने लाओगे तो वो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट टाइम के लिए, आपके लिए बस आप इतना नाम बता दोगे इतना ही बहुत है, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ आपका जेस्टेशनल असेसमेंट, ठीक है, जो आपको करके दिखाना है। अगर आपका कम से कम ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन बाकी कुछ पूछेगा, ये फिरना पूछेगा आपसे, ईयर, जेनाइटेलिया, ये सब आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट में रिफ्लेक्सेस पर, ठीक है ना। तो अब रूटीन के लिए ये, अगर ये हंगर में, अभी तो ये बेसिकली ना पेरेंटल एस्फिक्सिया का बच्चा है, तो पेरेंटल एस्फिक्सिया का बच्चा को वो सब उतना रिफ्लेक्सेस बढ़िया होता भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक बच्चा जो नॉर्मली सोया हुआ है उसको अगर भूखा है तो ऐसे करोगे तो उस साइड ना टॉन करेगा हेड, तो ये हुआ मोर रिफ्लेक्स, ठीक है ना, सॉरी रूटिंग रिफ्लेक्स, रूटिंग हुआ, ठीक है। इसके बाद जो है सकिंग एंड स्वेलोइंग रिफ्लेक्स जो होता है वो तो कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्स है, उसके लिए कायदे से जो है वो तो मेरे को कहाँ गया, हाँ ये एक ग्लव्स यूज करना चाहिए, हैंड वॉश करके अच्छे से करना चाहिए, फिर भी हम ये करते हैं। ये देखो नहीं आ रहा है, देख रहे हो, तो ये सकिंग रिफ्लेक्स है ना। तो इसके लिए आपको ना प्रॉपरली हैंड वॉश करके कायदे से और ग्लव्स यूज करके तो आपको करना है, ठीक है ना। तो ये हुआ रूटीन और ये हुआ सकिंग, सकिंग साथ में जब अगर पूरा का पूरा मिल्क पी रहा है अंदर चला जा रहा है तो क्या है, स्वेलिंग, सकिंग एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स। उसकी वजह से सबसे कॉमनली आप लोगों को दिखाने को बोलते हैं मोरोज रिफ्लेक्स। तो मोरोज रिफ्लेक्स में ध्यान दो करने गया है, बच्चे को बेड से ऊपर नहीं उठाना, आपके फोटो वोटो में बुक में दिखाया हुआ है, लेकिन उसके लिए है जिन लोग बहुत बार बच्चे को देखते हैं हाथ में उठा लेते हैं, जैसे मैं हूँ, हमसा देखता हूँ, किसे भी उठा लूँगा पकड़ा रहूँगा, लेकिन आपसे उठेगा तो छूट जाएगा, तो ट्रामा सेव करना है। तो आपका काम है बच्चा बेड पर ही रहेगा, आपको उठाना नहीं है, करना क्या है उसको आप एक एंगल दे दो 45 या 60 या 90 डिग्री पर ले आओ, और मेन मोरोज रिफ्लेक्स का याद करना कि प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंक और हेड इसके बीच में एंगल जो बनता है ना उससे मोरो रिफ्लेक्स जो है ना प्रोड्यूस होता है। तो मानते हैं कि पूरा का पूरा बॉडी, मानते हैं ये हेड पार्ट है, ठीक है, और ये ट्रंक पार्ट है, तो आपने क्या किया पूरा का पूरा बॉडी को गिरा दिया, तो इससे मोरोज आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आपको मेन क्या दिखाना, एग्जाम्पल क्या दिखता है, ये ट्रंक को आपने वहीं रखा है, हेड छोड़ दिया है, मिनिमम 30 डिग्री लैग करना चाहिए ट्रंक से, तो वो सही में मोर हो जाएगा, वो इसके बिना भी आ सकता है, ऐसा स्टार्टल रिस्पांस बोलते हैं, जैसे बच्चा सोया हुआ है जोर से करोगे तो भी मोर हो जाता है ना, लेकिन डिमोस्ट्रेशन का तरीका अलग है। तो मैंने क्या किया, इसको लिया आराम से, देखो ये दोनों हाथ ऐसे इनको अंदर लिया, अब देखो रिस्पांस कैसे है, ठीक है, इसको इतना तक करके मैंने छोड़ा, फिर अब फिर से देखो क्या कैसे कर रहा है, ये लिया, ये बेसिकली जब कोई नॉर्मल बच्चा दिखाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ये बेसिक बेबी है, उसमें क्या होगा जैसे एंगल पे क्या किया मैंने, लिया हेड को मैंने ड्रॉप किया है, बॉडी ड्रॉप नहीं किया, हेड ड्रॉप किया है, हेड जैसे ड्रॉप करेंगे तो बच्चा क्या करेगा ऐसे करेगा और वापस ऐसे लेगा, ये क्या है, एडक्शन हुआ, एडक्शन एक्सटेंशन एंड ओपनिंग ऑफ द फेस्ट, और वापस क्या होगा, एडक्शन फ्लेक्शन एंड क्लोजिंग ऑफ द फेस्ट, ऐसे जाएगा ऐसे वापस लेगा, ठीक है ना। तो ये जो रिस्पांस होता है क्या फास्ट रिस्पांस होता है, और ये रिस्पांस जो होता है स्लो होता है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ बच्चा मिलेगा, अभी बिल्कुल नॉर्मल बच्चे में डिलीवर हुआ हो, किसी को इंटर्न को बोलो ना ऊपर से लेके आएगा, एक दो बच्चों को जो नॉर्मल आज के डिलीवर्ड हुए होंगे ना, दो तीन बच्चों को बुला लो एग्जामिन भी करें, जो इस तरह से है अगर सडनली जो है ना हेड को अगर आप एक साइड टर्न करते हैं ऐसे, तो कायदे से क्या होगा इस साइड का एक्सटेंशन ऑफ द बहुत अपर एंड लोअर लिंब होगा, ठीक है, और जो अपोजिट साइड है उसका फ्लेक्शन होगा। तो अगर कोई बच्चा आता है तो हम दिखा लेंगे,
ये तो डीप एच आई स्टेज 1-2 में जा रहा है, इस प्रोसीजर भी आया है इसलिए थोड़ा सा अलग है। इधर करेंगे तो क्या होगा, इसका एक्सटेंशन होगा और इसका भी एक्सटेंशन होगा, और इधर क्या होगा, फ्लेक्सन होगा, ये क्रॉस एक्सटेंशन है। उसके बाद से पामर ग्रास्प एंड प्लांटर ग्रास्प। तो पामर ग्रास्प से प्लांटर कैसे करते हैं, देखो इसे पकड़ा मैंने और जो मेटाटार्सल है ना इसे प्रेशर किया, तो ये जो है ना जैसे ये यहाँ पे डालेंगे ना तो ऐसे करेंगे, ये ग्रास्प हुआ है ना, ये ग्रास्प रिस्पॉन्स है, ये अभी एक्सटेंड किया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे देखो किया ना, तो ये ग्रास्प रिस्पॉन्स। उसी तरह से जब हाथ में करना होगा तो क्या तरीका है, एडल्ट में भी ग्रास्प देखते हैं ना, जब डीमाइलिनेटिंग और सिंड्रोम सब होता रहता है, जो रिफ्लेक्सेस वापस से आता है उसमें क्या होगा, उसमें तरीका क्या है कि जब जाएंगे ना तो फिंगर कैसे ले, अल्नर साइड से ले जाना, तो जो ये जो है अपना ये कौन सा बोला मेटाकार्पस, तो मेटाकार्पल के ऊपर ले जाएंगे ऐसे अल्नर साइड से, तो ऐसे ले जाएंगे तो ऐसे ये ठीक है ना, आप ऐसे ले जा रहे हैं ये ग्रास्प। तो इसे इसमें है, अगर इसका हैंड ओपन है सपोज, और हैंड ओपन करके अगर कभी रखा है बच्चा और आप इसको अभी तो क्लोज ऐसे ही इसका क्लोज है, ओपन है किसी टाइम में सोया हुआ है, आप ऐसे हाथ ले जा रहे हैं तो जो है ना ग्रास्प करेगा तो पामर ग्रास्प ठीक है। दूसरा ग्रास्प किसी देख सकते हैं, वहाँ देखा है वैसे यहाँ भी देख सकते हैं ठीक है ना। तो ये हुआ रिफ्लेक्स, इसमें एक और रिफ्लेक्स बाकी है ट्रैक्शन रिस्पॉन्स। ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चे को उठाएंगे और देखते हैं हेड कितना लैग कर रहा है और शोल्डर जो है कितना लैग कर रहा है, इसलिए क्या इसको मैंने पकड़ा और देखो इसको उठा रहे हैं, हेड लैग कर रहा है, देखिए देखो उठा भी रहा है बच्चा साथ में ठीक है ना, थोड़ा सा ट्राई कर रहा है उठाने का, और जब प्री मैच्योर में जाओगे ना तो बिल्कुल लैग कर जाएगा, थोड़ा भी ट्राई नहीं करेगा कि हेड को आगे लाए या शोल्डर को आगे लाए, वो बीच दोनों पीछे पड़ा हुआ रहेगा। तो ये ट्रैक्शन, ट्रैक्शन क्या किया हमने, ये रिस्ट पे पकड़ा इसको और इसको बस, और इसको बेड पे रहने देंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, ये बेड पे रहेगा हिप वाला पार्ट, और इसको लिया ठीक है, ये ट्रैक्शन रिस्पॉन्स ओके। चलो तुम्हारे ग्रुप क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, एफ कैसे देखना है, सीआरटी कैसे देखना है, फिजिकल मैच्योरिटी, न्यूरो मस्कुलर स्कोरिंग सिस्टम और रिफ्लेक्स। तो हमको लगता है कि इतना काफ़ी है आपके लिए ठीक है, तो जाइए पढ़ाई कीजिए, बाकी दूसरे ग्रुप के भेजिए। नहीं एक और प्री मैच्योर को दिखाया मैंने, प्री मैच्योर दिखाया हूँ, और ये देखो फीमेल बेबी है, फीमेल बेबी प्री मैच्योर में क्या होगा, लेबिया मेजोरा जो है ना माइनरों का पूरा पूरा एक्सपोज करता रहेगा, तो यहाँ लेबिया मेजोरा जो है ना माइनोरा को पूरा एक्सपोज किया हुआ है और क्लाइटोरिस जो है ना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो ये प्री मैच्योर बेबी में होगा ठीक है। अब इसका देखो ये एंगल सब दिखाते हैं, देख रहे हो यहाँ पे एंगल, देखो कितना एंगल बन रहा है, उसमें बिल्कुल टच हो जा रहा था ना, यहाँ टच नहीं हो रहा है, तो क्या स्क्वायर विंडो टेस्ट में क्या एंगल ज़्यादा है, इसमें भी जो है इसमें भी एंगल ज़्यादा है, वहाँ बिल्कुल का पूरा टच हो जाता है। वैसे हील ईयर करने जाओगे आप तो ये देखो हील ईयर करने जाओगे तो पूरा हील ईयर हो जा रहा है, देख रहे हो रहा है ना आराम से, जबकि उसमें नहीं हो रहा था, ऑपरेटिव एंगल में थोड़ा सा एंगल ज़्यादा, देखो इतना तक जा रहा है, ऑलमोस्ट 180 चला जा रहा है ना, तो ये प्री मैच्योर में है और मैच्योर, तो यही बेसिकली है। हाँ ईयर रिक्वायर ठीक है, चलो देखो ईयर रिक्वायर, इसका ईयर रिक्वायर ठीक ठाक है, तो जरूरी नहीं कि सब में सब चीज़ मिल ही जाए आपको, चलो ठीक है, चलो आपका हो गया ग्रुप का, दूसरा ग्रुप।